तो बस हम मस्त तो रेडी हो गया है। अब मैं 3-4 घर के काम निपटा लेती हूँ, जब तक 2 घंटे हो भी जाएंगे और फिर देखेंगे कि बैटर जो है हमारा डी पिटा ब्रेड का वो कितना राइज हुआ है, कैसा बना है, और फिर बनाएंगे फ्रेश पिटा ब्रेड्स। तो पहले इस तरीके का एक लिक्विडी जो है वो हमें बनाना है। अब ये कैसे बना है, इसमें मैंने डाला है 1 कप मैदा, 2 टीस्पून ईस्ट और थोड़ा सा ऑयल, ऑयल बहुत ज़रा ही सा लेना है, ठीक है। इसको जब आप कर लेंगे तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा, लिक्विड लिक्विड फॉर्म का ही रहेगा। थोड़ा सा आप इसमें 1 कप वाटर डाल के इसको और लिक्विड करके ऐसे ऐसे आपको इसे स्टर करते रहना है। अब इसमें डालेंगे हम अपना बचा हुआ जो मैदा है वो, लेकिन इसको भी पार्ट्स में ही डालिएगा, एक बार में मत डाल दीजिएगा, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए अपने आप ही एकदम सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल सा डो बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ऐसे। ये अब इसमें और बचा हुआ, अभी लास्ट में हम इसको हाथ से ही अच्छे से करेंगे। ये देखिए आपका डो जो है वो एकदम सॉफ्ट और बढ़िया सा डो, बिल्कुल हाथ में चिपक भी नहीं रहा है, सॉफ्ट है एकदम, परफेक्ट इसकी जो कंसिस्टेंसी है इस डो की, बहुत ही परफेक्ट है। बस अब इसको जो है किसी बर्तन में ऑयल लगा के थोड़ा सा, इस पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कवर करके मैं इसको रखूँगी थोड़ी 2 घंटे के लिए माइक्रोवेव में। ध्यान दें कि आटा क्योंकि अभी राइस होगा तो इसको किसी बड़े बर्तन में ही लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इसमें यीस्ट कौन सा यूज़ करें। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लू बर्ड का यीस्ट यूज़ करा था, जो कि छोटे छोटे से राउंड राउंड सर्कल वाला होता है, उससे मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले थे, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट मिला था, टाइम ज़्यादा लगा था उसको फर्मेंट होने में। अब की बार जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने यूज़ करा है ये वाला, इससे रिज़ल्ट बहुत ही औसम आए हैं। अगर आपके यहाँ सर्दी का भी मौसम है तो 1 से 1.5 घंटे के बीच में आराम से जो है वो आपका डो राइज हो जाएगा। और सेकेंड चीज़ ये है कि आपको जितना भी मैदा इस्तेमाल करना है उनको 2 हाफ में करके ही यूज़ करिए, पूरा जो मैदा है वो एक बार में ही मतलब मत यूज़ कर लीजिए। मतलब कि जब डो लगाएं तो पहले आप आधे मैदे में सारा मिक्सचर डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें और फिर सेकेंड हाफ में डालें। होता क्या है कि आखिरी में ये डो जो है वो थोड़ा सा गीला होने लगता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, उसमें और मैदा डाल देते हैं, तो बाद में जब आप मैदा डालते हैं तो डबल द तो क्वांटिटी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, और सेकेंड चीज़ थोड़ा तो जो हमारा प्रोसेस है वो गड़बड़ा जाता है और परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। 2 घंटे हो गए हैं, अब मैं वापस से आई हूँ किचन में, अब हम बनाएंगे आराम से पिटा ब्रेड, और बैटर जो है वो माइक्रोवेव में है, जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं कि वो कितना राइज हुआ है, कैसा बना है। तो ये आप देख रहे हैं डो कैसा मस्त मस्त एकदम फूला फूला, और क्या जाल बना है, वाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑयल अच्छे से लगाया था, ये बिल्कुल भी जो है वो चिपक नहीं रहा है, ना हाथों में और ना ही ये साइड्स में। ये तो अब ये आपका बिल्कुल आटा तो रेडी है, मस्त मज़ा आ रहा है, खेलने में मज़ा आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और है जो स्पेशली मैंने ध्यान दी थी, मुझे बता देखा था मैंने कि जब आप इन बॉल्स को बना लें तो इनको 5 मिनट्स के लिए जो है वो रख दें। तो 5 मिनट्स हो गए हैं, हमारा तवा भी जो है वो अब रेडी है। बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है ना ही बहुत धीमी रखनी है, और एक एक करके हम बॉल्स को लेंगे और उन्हें रोल करके और बस सेक लेना है। डालनी है, देखिएगा तवा जो है वो बहुत गर्म ना हो वरना डालते ही वो बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, ऐसे ऐसा हो गया था मेरे साथ इसलिए मैं बता रही हूँ।
इट गोज हेयर। ये देखिए कैसी मस्त फूली हुई बनी ना ये देखिए, ये सब अच्छा आटा गूंदेगा तो इस तरीके से आपका ये मस्त बनेगा। मुझे तो खुद यकीन नहीं आता ये मैंने बनाया है। ये देखिए इसको आप हल्का सा अब टर्न करके थोड़ी देर रखना रहता है गैस पे, बहुत देर नहीं रखना है नहीं तो ये बिल्कुल ही मैदा है ना जल्दी जल जाता है। बस ये परफेक्ट, ये देखिए हमारी ऑसम पिटा ब्रेड।